तो ये इस संदेश के साथ गंगा हो या गांगी नाटक यहीं संपन्न होता है। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों से आप शायद परिचय होना चाहेंगे, तो इनका परिचय इस प्रकार है। सबसे पीछे खड़े हैं अनुराग मौर्य, उनके बगल में हैं सुरेंद्र कुमार, और आप हैं अकबर अली, और बगल में हैं अमित कुमार यादव, और आप हैं अजीत गौरव, उस बगल में हैं जितेंद्र पॉल सबर, और दीवान जी और अन्य भूमिकाओं में आप हैं विवेकानंद सिंह, और गांगी के पिताजी की भूमिका में आप हैं गणेश गौतम, और गंगा की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा के लिए आह्वान करने वाले साधु जी की भूमिका में आप हैं मुकेश कुमार झंझरवाला। शुरुआत में जो नृत्यांगना के रूप में हमारे सामने जो आए हैं आप हैं श्रीधर शर्मा, और गांगी की भूमिका में आप हैं डॉक्टर रोली दीक्षित। कहानी नाट्य आलेख एवं निर्देशन श्री मोतीलाल गुप्त का, और कथा परिकल्पना फादर आनंद की, और प्रस्तुति प्रेरणा कलामंच की। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर लेनिन का, श्रुति का, और मानवाधिकार जन निगरानी समिति के सभी साथियों का कि आपने ये अवसर दिया। मित्रों, जाते हुए आपसे यह कहना चाहूँगा, कबीर ने कहा था काशी काबा एक हैं, और काशी काबा एक हैं, एक हैं राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जी। तो हमारे काशी को कबीर ने इस तरह परिभाषित किया है मैदा के साथ, और उसे बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। बहुलतावादी समावेशी सोच के कबीर को सम्मान देते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि नारी और नदी, नीर और स्त्री, इन दोनों की रक्षा करने की प्रथम जिम्मेदारी पुरुष की है। पुरुष अपने कर्तव्य को समझे, पुरुष पिशाच जो पुरुष का जो घमंड है और उसे दूर करके नारी को, नदी को कमाई का और उपभोग की वस्तु ना माने, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। काशी की बहुलतावादी संस्कृति को हम सभी बचाए रखें। जय हिंद, जय भारत। फादर जाइएगा मत। फादर आनंद, फादर जो है हम लोग के गांव में जो भी जन संगठन खड़ा हुआ है, शुरुआती दौर में प्रेरणा कला मंच के लोगों ने जाके जब जनता बात नहीं सुनती थी तो हम लोगों ने बहुत काम किया, और फादर हिंदी में काफी। इसके बाद हम लोग गोपाल मेनन जी की फिल्म देखेंगे कल डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। हम चाहेंगे कि पंडित विकास महाराज जी गोपाल मेनन जी को जो है बनारस की जो सिल्क है उसको उड़ा करके वो करेंगे। और गोपाल मेनन जी ने गुजरात के ऊपर दो दिन तक फिल्म कल मुजफ्फरनगर और परसों गुजरात कामेशट में दिखाई जाएगी। लोग आ सकते हैं, कल 11 बजे से हम लोग मुजफ्फरनगर दिखाएंगे और उसके ऊपर बहस करेंगे जो है मतलब। और उन्होंने बहुत ही गंभीर फिल्में बनाई हैं, और वहीं रह के केवल कुछ लोग थे, तिस्ता जी थी, ये थे इनके एकाध दोस्त लोग थे जब ये गुजरात में दंगे हो रहे थे, तो यही लोग केवल थे जो उनके बीच में थे जो है। तो आज हमारे बीच में दोनों लोग, तिस्ता जी ने तो लड़के 120 लोगों को जो है उस दंगे में जो है लोगों को वो किया है। मैं श्रुति जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए, आभार प्रकट करें। इसके बाद कबीर यात्रा निकलेगी जो है, उसके लिए सब लोग चलेंगे जो है मतलब नारे लगाते हुए, क्योंकि लड़ना भी बहुत जरूरी है। बहुत शाम हो रही है और हमारे दूर दराज के लोग जाना भी चाहते हैं, जो श्रमजीवी समाज से आए हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी में चूंकि धन्यवाद एक औपचारिकता है, और बनारस और बनारस की बहुलतावादी और समावेशी जो संस्कृति है ये बनी रहे, इसके लिए आज जो विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य गुरु, बनारस के प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी सभी इस बनारस कन्वेंशन में शामिल हुए, हम सब लोग बहुत बहुत हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप सब भी आप सबके साथ से
बनारस इसी तरह बना रहेगा जिसकी चर्चा हमारे विभिन्न धर्म गुरुओं के लोगों ने चर्चा की कि बनारस की साझा संस्कृति कैसी थी, उसमें कहीं भी वैमनस्यता नहीं थी इसके बारे में। और साथ में ही बनारस के और आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों से, गांवों से जो श्रमजीवी समाज आया है, बुनकर, दस्तकार, मल्लाह समाज के लोग आए हैं, जिनके हुनर से बनारस को एक पहचान मिलती है, जो साड़ी बुनकर हैं या जो बनारस के लकड़ी खिलौने हैं या जो बनारस के और तरह तरह के दस्तकारी और उद्योगों से जुड़े हैं, जो बनारस की पहचान को दुनिया भर में लाते हैं, उन सभी कलाकारों का, उन सभी दस्तकारों का हम सब लोग बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से तीस्ता जी का, जो अभी तक यहाँ बैठे हैं इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है, तीस्ता जी का और पंडित विकास महाराज का, और जो नाम छूट रहे हो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे आयोजक ही यहाँ बैठे हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग, हमारे साथी कबीर यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, तो इसके बाद हम सब लोग बाहर मिलते हैं, और यहाँ से लेकर के कबीर मठ से लेकर लहुरा बेर तक हमारी कबीर यात्रा जाएगी, और ये बनारस की साझा संस्कृति बनी रहे, इस आज एक कन्वेंशन से हम लोग इसको स्थगित करने वाले नहीं है, ये लगातार चलती रहे और दुनिया भर में हम लोगों का समर्थन हमें मिले, हम सब लोग इसके बराबर प्रयास रखेंगे। और बनारस कन्वेंशन के नाम से ये एक वेबसाइट भी हम लोग ने तैयार कर ली है और फेसबुक पेज भी तैयार कर लिया है, जिसको हम लोग आप लोगों के बीच में और दुनिया भर के लोगों के बीच में प्रमोट करेंगे और सबसे समर्थन चाहेंगे। और केवल बनारस कन्वेंशन नहीं, बहुत सारे जो प्राचीन ऐतिहासिक शहर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी दुनिया को चलाने में साझा संस्कृति की पहचान रही है, वो पहचान जीवित रहे और लोग इसी तरह मिलजुल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें, विकास के पैमाने में जनहितैषी विकास हो, इन चीजों के ऊपर बराबर चर्चा होती रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हम विशेष रूप से अपनी मानवाधिकार जन निगरानी समिति और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच की सभी टीम के साथियों की का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पिछले एक महीने से लगातार कड़ी मेहनत के बाद आज का ये सफल आयोजन हम लोग कर पाए और ये लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहें, और इस तरीके का संगोष्ठी, इस तरीके का विचार विमर्श यात्रा लगातार चलता रहे। और अपने भाई संचालक अतीक अंसारी जी का, रंगकर्मी विमय शुक्ला जी का भी हम बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि संचालन एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और जिस तरह के प्रबुद्ध और धर्माचार्य हम लोगों के बीच में आए थे, आपने बहुत सफल संचालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। व्योमेश जी को बुलाएंगे कि अच्छा संचालन करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं बताया था, हम लोग उनको पंडित जी से कहेंगे कि और श्रुति को कि साल दे करके, और जो बुनकरों का प्रतीक है, हम लोग हर प्रोग्राम में बनारस के बुनकरों का ही सिल्क देते हैं, मतलब इसलिए कि उसको प्रतीकात्मक रूप से बढ़ा सके। रोहित वीडियो से निकाल लेंगे वीडियो। तो हम लोग अब आगे बहुत बहुत धन्यवाद और आगे निकलेंगे कि कबीर, जो कबीरी शिक्षा है, जो कबीरियत है, जो फक्कड़पन है, और वो फक्कड़पन इस कॉरपोरेट फासिज्म के खिलाफ, और जो ये बैठे हुए जो पालतू कुत्ते हैं अमेरिकी साम्राज्यवाद के, उसके लिए हम लोग कबीरी यात्रा अब निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो आगे आप लोग पहुंचिए, और जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद कॉरपोरेट की गुंडागर्दी और सांप्रदायिक फांसीवाद का जो ये नमूना आके बैठा है, इसके खिलाफ हिंदुस्तान को बचाने के लिए, साउथ एशिया को बचाने के लिए हम लोग जो है कबीर यात्रा से निकलेंगे और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों बाहर मिलते हैं।
जिंदाबाद।